सो है गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, इससे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अपने घर में एसी लगवाने के बाद यहाँ पे ऑफिस में सोए थे आके, लेकिन गाइज रात में इतना ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब हो गया कि मतलब वहाँ पे हम लोग गए थे रात के 1 बजे सोने गए थे वहाँ पे, और इतने मच्छर काटे, क्या बताएं, दादी बाबा दादा मैं, मेरा प्लान नहीं था वहाँ से ऑफिस में सोने का, ऑफिस ये है, ऑफिस में सोने का प्लान नहीं था, लेकिन मैं भी चला गया और इतने मच्छर काटे, क्या बताएं, पूरे मतलब हाथ वाथ सब जगह पैर में से इतने मच्छर काटे गए, मतलब सो ही नहीं पाए रात में, हर 10 मिनट में नींद जग रही थी और फिर मच्छर मार रहे थे गाइस बैडमिंटन से, और अंदर सब लोग अभी सो रहे हैं, और मैं जब जगा सुबह 5 बजे मेरी फिर से नींद जगी, 10-15 बार जगने के बाद मैं फिर से जगा 5 बजे, और उसके बाद मैं उठ के मैं गया वहाँ पे अंदर कमरे में, और वहाँ पे नहाया धोया मस्त, और नहा धो के कपड़े चेंज करके अब मैं वापस आया हूँ यहाँ पे इन दोनों को जगाने के लिए। अभी पूरे 6 बज चुके हैं, अंदर चलते हैं अब। दादा जगने लगा था तो मैं वापस को ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुका हूँ, और दादी तो रात के 3 बजे ही चली गई थी, दादी रात के 3 बजे चली गई थी सोने के लिए अपने दूसरे वाले घर में, उनको यहाँ पे नींद ही नहीं आ रही थी। गाइज अभी ऊपर कमरे में तो आ चुके हैं, स्कूल जाने के लिए मैं तो बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, और बाकी अभी दादा जा रहा है पीजीआई हॉस्पिटल में, पहले जो मेडिकल कॉलेज जाता था, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लखनऊ का, तो वहाँ जाता था जे, लेकिन वहाँ से मेडिकल कॉलेज से इसको पीजीआई शिफ्ट कर दिया गया है, इसकी वायरस वाली जो बीमारी थी हेपेटाइटिस सी का जो वायरस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, भयानक हो चुका है, 2 लाख से 20 लाख पहुंच चुका है गाइस, वायरस जो होता है 2 लाख से 20 लाख उसकी संख्या पहुंच चुकी है, तो बहुत खतरनाक हो चुका है, 17 साल की उम्र में इसको हेपेटाइटिस सी का वायरस हो गया, और मम्मी भी जा रही है पीजीआई, दादा जा रहा है पीजीआई, और मैं जा रहा हूँ स्कूल, और आज से हम लोग का प्लान था कि जाएंगे स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने के लिए, लेकिन अब से हम लोग स्विमिंग नहीं जा रहे, मतलब अब से नहीं, क्योंकि दादा जा रहा है पीजीआई, तो फिर 1 तारीख से जाएंगे सब लोग स्विमिंग जाएंगे, तो आगे आने वाले ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि स्विमिंग पूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और सब लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं, दादी बाबा जा रहे हैं सिरजिम, मम्मी दादा जा रहे हैं पीजीआई, मैं जा रहा हूँ स्कूल, कृष्णा घर पे है, और फिलहाल के ममता मौसी भी अभी घर पे हैं, मम्मी जा रही हैं पीजीआई, और सोम यहाँ पे सुबह से मदद कर रहा है, और ममता मौसी सुबह यहाँ पे अपना नाश्ता कर रही हैं, चाय बना के, चाय पी रही हूँ, ब्रेड। आपका लाइन थी, आपको कैसा लगा कल से हमारे घर में? बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। गाइज ममता मौसी को आपने पहले ही भी व्लॉग में देखा होगा। गाइज मैं स्कूल से आके था 2:30 बजे, और 2:30 बजे आने के बाद मैंने नाश्ता वास्ता किया और सारा टीवी देखा, उसके बाद मैं 3:30 बजे से मैं 8 बजे के लिए सो गया, मुझे इतनी गहरी नींद आई कि मैं सो गया, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी ऑफिस में, इसलिए मैंने स्कूल के बाद आके मस्त अपनी नींद पूरी कर ली 4-5 घंटे की, और उस और दादी निकल रही हैं, और उसके बाद मैं गया वर्कआउट करने, वर्कआउट करने के बाद मैं दूध दूध पिया, और अभी अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि सुबह निकल रहा है स्विमिंग पूल के लिए, स्विमिंग पूल में मस्त वहाँ पे मतलब नहाएं धोएंगे क्या मतलब स्विमिंग करेंगे, कृष्णा गया था आज, एक लखनऊ पब्लिक स्कूल है उसी के अंदर स्विमिंग पूल है, वहीं पे जाएंगे, यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है, कार से जाएंगे, कृष्णा आज गया भी था, कृष्णा और सोम भी गया था, डैडी गए थे, विशाल भी, और 2-3 लोग आ रहे हैं वो भी जाएंगे, तो नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं स्विमिंग पूल, और बाकी फिलहाल मैं ब्लॉग एंड कर देता हूँ, अगर आपको ब्लॉग देखकर मजा आया है तो चलो उस तक पर वीडियो को लाइक कर दे, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय।